छठ वाले दिन माँ ललिता गौरी का जो है दर्शन करता है। माँ ललिता गौरी के दर्शन जी इस तरह भक्तों को फल देती है माँ, क्या कहते हैं ललिता गौरी माँ सती माता का हृदय है। जब माता सती हैं विष्णु भगवान ने अपने चक्र से 52 खंड किया है, 52 शक्ति पीठ है। यहाँ पे कौन सा है ये खंड माता? ये माता का हृदय है, ये ललिता गौरी जो है सुंदर हृदय माता का, और हृदय से मांगी हुई सारी मुराद यहाँ पूरी है। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वहाँ यहाँ पर कन्या देवी दर्शन करने से उनको सुयोग मिलता है। चलो भैया दर्शन करके आगे बढ़ते चलिए, दर्शन करके आगे बढ़ते चलिए, यही माता का अत्यानी है। नहीं नहीं ठीक है भाई, माइक आप किया ले भैया, बाहर न गया ले जाता सुन। परंतु माता के क्या, अरे हम लोग का पुष्प चरण पर प्रेम कर स्वीकार कर रहे करेंगे भैया, काहे नहीं करेंगे, इतना दूर से आ रही हैं, सब आप लोग का मनोरथ पूर्ण करें माता भैया। प्रथम सहस्पुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चित्रघंटा चतुर्थ कुष्मांडा पंचम स्कंद माते छठम कात्यायनी, आज छठवे दिन इनका दर्शन होता है। इनका दर्शन करने से मनमांछित फल मिलता है, कुआरी कन्याओं का ब्याह हो जाता है, सब मनोरथ पूरा करती हैं माता। धनपुत्र लक्ष्मी को देने वाली ये माता कात्यायनी है। जिस कन्या का ब्याह नहीं होता हल्दी दही अर्पण करने से उनका ब्याह संपन्न हो जाता है। कितने दिन दर्शन करना पड़ता है? 21 दिन दर्शन। हाँ कितना प्राचीन मंदिर है? अरे तो आदि है, आदि काल से। हाँ आदि काल से बताएंगे तो हम बताते हैं ना, आदि काल से यही सब बताया जाता है ना कि भाई आदि काल से मंदिर। कौन महादेव है? ये आत्मविशेश्वर हैं, विश्वनाथ की आत्मा बाल रूप में विराजमान हैं। हाँ इनका दर्शन करने से धन पुत्र की प्राप्ति होती है, आत्मविशेश्वर का दर्शन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी आप कहाँ पे आई हैं और क्या करने आएंगे? हम आए हैं भैरवनाथ से दर्शन करने, यहाँ पर यहाँ दर्शन करने आए हैं। नौ दुर्गा का दर्शन कर रहे हैं, कात्यायनी माता का, नौ दुर्गा और नौ गौरी का दर्शन करते हैं। माँ के चरणों में उनको बारंबार नमस्कार है कि माँ सबको मतलब सुख शांति सब मतलब देती हैं, बाल बच्चा सब मज़े में रखती हैं, इसीलिए हम आए हैं दर्शन करने उनका। इधर इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका?
ज्योति से मेरा नाम है। ज्योति जी कहाँ से आ रही है, कहाँ पे आएंगे? हम बनारस के रहने वाले हैं, कात्यायनी जी का दर्शन करने आए हैं। क्या विशेष महत्व होता है माता के आगमन? नवरात्र में बहुत अच्छी भीड़ लगती है, माता का दरबार बहुत अच्छा सजता है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए हम लोग भी आते हैं। नवरात्र में 9 दिन 9 दर्शन होते हैं अलग अलग रूपों का। आज माँ के इस रूप का दर्शन है, आज माँ के इस रूप का दर्शन है। माँ तो हमेशा सब कुछ दी है, उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, माँ हमेशा ही देती है और आज भी दे रही है, हमेशा देंगी भी है, माँ के बच्चे हैं तो देंगी ही देंगी।